हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आरओ का काम चल रहा है, तो मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग्स में बताया भी है कि मेरा पुराना वाला जो आरओ है वो ख़राब हो रहा था, तो हम लोगों ने एक नया आरओ मंगवाया है, ऑनलाइन ये परचेज किया है हमने, और इसको लगवाने के लिए हम बहुत परेशान हो गए थे। ये समझ लीजिए 18 तारीख का हमारा ऑर्डर आ गया था, पर ये लगाने के लिए भैया आ ही नहीं रहे थे, और आज है 27 तारीख मंगलवार, तो आज के दिन वो आए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, और घर में किचन में तो बहुत ही गंदगी हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और इस समय हम लोग आए हुए हैं, आज डायग्नोस्टिक अपना ढूंढ रहे हैं, सरकार डायग्नोस्टिक में जांच के लिए आई हूँ मैं अपने पैर के, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं कि कहाँ पर है। गूगल से हम लोगों ने देखा था, पर गूगल से उन्होंने दिखा दिया कि हम लोग डेस्टिनी पे पहुँच गए हैं, पर हम लोग मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं हम लोग अगली बगल। हम लोग यहीं पे इसी चौराहे पे ही अगल बगल है, और यहीं पे गोल गोल घूम रहे हैं राउंड राउंड, और अब देखते हैं, लग रहा है अब वो घड़ी आ गई है धीरे धीरे जब मेरा ऑपरेशन होने वाला है। और आज है 28 दिसंबर और शुरुआत हो गई है ऑपरेशन करवाने के लिए, जो एक्टिविटी है उसके लिए। और यहाँ पर हस्बैंड हैं जो गाड़ी चला के हम लोगों को लेके आए हैं, और पीछे है सीता, और पीछे अथर्व। अथर्व बाबू हेलो करो, अथर्व अथर्व हेलो कर दो भैया, ये अथर्व है घुसा हुआ है अंदर अपना एंजॉय कर रहा है बाहर का नज़ारा। अब देखते हैं, हस्बैंड पूछने जा रहे हैं बाहर कि कोई बता दे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल वहीं पे ही हैं पॉइंट पे, और बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, अगल बगल बस यहीं पे ही है जो गूगल बता रहा है। हाँ बाबू, हाँ बस आ गया है, हम लोग उतरने वाले हैं, तो बस चलिए अभी शुरू करते हैं ये अपना व्लॉग, और देखती हूँ अब आगे आगे क्या होता है वो आपको दिखाती जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये काम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग वहीं पे ही खड़े थे, तो बिल्कुल वहीं हम लोगों के सामने ही था ये सरकार डायग्नोस्टिक, पर यहाँ पर इस तरह से इतने ज़्यादा पेड़ थे कि वो दिख नहीं रहा था। और फिर हम लोग अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर फिर हस्बैंड अपना नंबर में लगे हुए हैं वहाँ पर बिलिंग करवाने के लिए, और बिलिंग करवाने के बाद में फिर हम दोनों की जाँच होगी, सीता की और मेरी। तो फिर यहाँ पर हम लोगों का ये देखिए बिलिंग हो रही है, और फिर बाद में हम लोग अंदर चले गए थे जाँच करवाने के बाद में, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब इस समय मैं अपना डायग्नोस्टिक में जाके अपनी जांच करवा आई हूँ, और इसिता के भी पैर की जांच करवाई है। तो मेरे पैरों की तीन तरह से जांच हुई है, तीन एंगल में, और इसिता की हुई है क्या कहते हैं एक तरीके से। तो अब देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, पर मेरा तो ऑपरेशन फिक्स है, होना है, तो चलिए अब जैसा भी है होगा जो भी। और इस समय अभी 2:30 बजने वाले हैं, तो हम लोग चलते हैं कहीं पे कुछ खाने पीने, बाहर घूमने निकल रहे हैं। तो हम लोग सब तैयार होके फिर से बैठ गए कार में, तो निकल लिया हम लोगों की सवारी। आओ बच्चों, आओ, चलो ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, हाँ हाँ चलो, तो चलो। और अब हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर देने के लिए बैठे हुए हैं, और हस्बैंड लगाने गए हुए हैं अभी कार पार्किंग में, तो तब तक हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखा है क्रिसमस का और न्यू ईयर के जो ओकेजन है उसके लिए, तो ये सब डेकोरेशन वगैरह देख के बहुत अच्छा लगता है, माहौल अच्छा बनता है। और यहाँ पर हम लोग मोती महल में आए हुए हैं, ये है हजरतगंज में, और यहाँ पूरा वेज रहता है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हम लोग अब यहाँ पर
नीचे आ गए थे, हस्बैंड ने कहा कि नीचे बैठते हैं, तो नीचे बैठ गए थे हम लोग यहाँ पर। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है, और उससे पहले मैं आपको सबसे मिलवा रही हूँ। तो हम लोग सब जने बैठ के फिर हम लोगों ने कहा कि चलो डोसा मंगवाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने अनियन मसाला डोसा मंगवाया था, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पर सांभर और ये जो भी मतलब चटनी हर चीज़ इतना, एक तो हम लोग भूखे भी बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी टाइम से हम लोग भूखे हो रहे थे, टाइम हो गया था खाने का। तो ये देखिए हम लोगों का डोसा आ गया है। तो यहाँ पर ये है सांभर और चटनी, और हम लोगों ने दो मंगवाए थे, एक हस्बैंड ने अपने लिए, एक मैंने अपने लिए, और इसिता ने अपने लिए मंगवाया था चाउमीन। तो हम लोगों ने हाफ़ चाउमीन मंगवाई थी, ये वेज चाउमीन है, और सारी वेज निकाल निकाल के अलग से रख दी। वेज चाउमीन मंगवाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ इसिता ने चाउमीन ही खाई है, सारी वेजिटेबल्स निकाल के अलग रख दी, और दोनों बच्चों ने तो समझ लीजिए चाउमीन ही इंजॉय की है। तो यहाँ पर ये लोग खा पी रहे हैं। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने बाहर, हमने कहा कि चलो कुछ स्वीट डिश वगैरह कुछ लेते हैं। तो यहाँ पर इसिता कहने लगी मैं तो भैया सिर्फ बतासे ही खाऊंगी, वो तो बतासों की बहुत ही बड़ी दीवानी है, फ़ैन है। तो उधर वो बतासे खा रही थी, तो हस्बैंड ने कहा चलो हम लोग इमरती लेते हैं। तो यहाँ पर गर्म गर्म इमरती बन रही थी, तो वो हम लोगों ने ऑर्डर करी है। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्वीट डिश थे, मतलब देख के ऐसे लग रहा था क्या क्या ना खा ले, ऐसे ऐसे लग रहा था। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, टिक्कियाँ वगैरह बन रही हैं, और यहाँ पर हस्बैंड ले रहे हैं इमरती और रबड़ी के साथ में, तो उसके साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है इमरती और रबड़ी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मतलब गर्मा गर्म, और सर्दियों में ये सब खाइए ना तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगती है। तो ये गर्म गर्म बना रहे हैं भैया, और हम लोग इंजॉय करेंगे अभी। ये देखिए लबाबदार, लज्जतदार, मज़ेदार, टेस्टी टेस्टी रबड़ी और जलेबी इमरती, खाइए। और सब कुछ खाने पीने के बाद में अब हम लोग आ गए थे मोती महल के जस्ट सामने जो पार्किंग एरिया है, वहाँ पर हम लोग खड़े हो गए थे, और हस्बैंड लेने गए हुए हैं गाड़ी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सब जने खड़े हैं, तीनों, दोनों बच्चे और मैं। और यह वहाँ पर जब हम लोग हस्बैंड गाड़ी लेने के लिए गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा परेशानी इकट्ठी हो गई, मतलब खड़ी हो गई थी, कि जो वो गाड़ी थी हमारी, वो उसमें हॉर्न बज रहा था, जो जैसे जब चोरी होती ना गाड़ी उस समय वो आवाज़ करती है, उस तरह का हॉर्न बज रहा था। ये तो अच्छी मुसीबत है, जाओ बैठो बच्चा, आओ गाड़ी में बैठो, बच्चा इधर आ बैठो अंदर। गाड़ी का इंडिकेटर जो है वो अपने आप ही बजता जा रहा है, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, अब यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि बैटरी जो होती है गाड़ी की वो डिस्चार्ज हो गई है, तो इस वजह से उसमें से जो जब गाड़ी ऑन कर रहे हैं तो वैसे ही एकदम से अलार्म बज रहा है, जैसे चोरी होती है गाड़ी तब उस समय बजता है। तो अब हस्बैंड यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं कि कोई ट्रिक हो जिससे कि उसका अलार्म बंद कर सकते हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने कहा भैया वो बात सही है कि मान लो चोरी हो गई है, हाँ। तो चोरी हो चुकी है तो अब क्यों रो रही हो, चुप तो हो जाओ। मेरी इस बात पे इतनी तेज हंसा वो, है ना, कि भैया चोरी हो रही, वो गाड़ी समझ रही कि चोरी हो रहे हैं, हाँ। तो चिल्ला रहे हैं, है ना, कम से कम चोरी हो गई हो तो ठीक है, चुरा ले इन दो, अब तो गाड़ी चल रही है, अब तो चुप हो जाओ। सही बात है, बजे जा रही है, बजे जा रही है, बजे जा रही है, बचाओ 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 बचाओ। पता नहीं क्या, अब सब देखना पड़ेगा कि इसमें इस तरह की सिचुएशन पहली बार आई है, इसको कैसे डील करें। बहुत मजा आ गया, तो ये भी एक जोक हो गया, अच्छा था। वो भी खूब तेज हंसा का भैया, और वो सरदार जी नीचे है जो जहाँ टोल का पैसा लेने वाला है, क्या भैया आपकी गाड़ी है नहीं, हाँ, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ऐसे बोल रही, इसका मतलब आप ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी ना हो, और आप भैया तभी तो तुमने तो टोल वो काटा है, हाँ। टिकट काटा है, टिकट थोड़ी ना झूठ बोलेगा, तो हमने कहा भैया दे दो टिकट भी कटा हुआ दे दो, क्या पता पुलिस वाला रोक ले तो कम से कम सही बात है, पूरा आरसी वारसी दिखाओ और झंझट हो जाएगा ना। बहुत
बहुत ही भयंकर वास्तव हो गया है। आरजी में भी है कि पूरा आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, फोटो लगी नहीं होती। अच्छा, तो उसमें आरसी में वो देखेंगे नेम एड्रेस, नहीं तो वो तो निकाल आता है। हाँ, नेम एड्रेस तो देखेंगे निकाल तो लेते हैं ना सब। तो हाँ, वो फिर उनके इक्विपमेंट बन जाएगा। फाइनली भगवान ने इसको अकल दे दी कार को कि तुम अब चुप हो जाओ, चोरी हो चुकी, मालिक के पास हो, कहीं तुम मालिक के पास हो, चोरी हो रही नहीं हुई, शांत हो जाओ। हाँ, शांत हो जाओ।